तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, राइट? तो हम लोग जा रहे हैं नैनीताल। हमारा अचानक से प्लान बनाया है नैनीताल का, तो हम लोग नैनीताल के लिए निकले हैं। ये है हमारा रास्ता जिधर से हम जाएंगे। एक्चुअली हाँ, हम लोग काला डूंगी होते हुए जा रहे हैं मुरादाबाद से नैनीताल। अच्छा रास्ता है काफ़ी, और ट्रैफिक भी नहीं मिलता, सड़क भी अच्छी है। दोस्तों हम लोग नैनीताल 2 साल बाद जा रहे हैं। हाँ, तकरीबन 2 साल हो गए हमें नैनीताल गए हुए। मुरादाबाद से नैनीताल काफ़ी पास है, तो हम लोग जाते रहते थे, बट 2 साल से हमारा मौका ही नहीं पड़ा नैनीताल जाने का। तो हमने सोचा इस बार नैनीताल हो जाए। 2 साल बाद जा रहे हैं हम, देखते हैं कैसा मिलते हैं वहाँ पे माहौल। पहले हम जब गए थे तो वहाँ पे हमने देखा जो पहले मार्केट लगता था वो हट गया था वहाँ से, बट अब देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है हमें मार्केट। जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा क्रेज़ रहता था, मार्केट मिलेगा वहाँ पे हमें, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे हमें, शॉपिंग करेंगे वहाँ पे, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो लेट्स सी, लेट्स होप। दोस्तों अगर आप मुरादाबाद से नैनीताल जाएंगे तो आपको तकरीबन 3 घंटा लगेगा, 2.5 से 3 घंटा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ट्रैफिक ना मिले तो। ट्रैफिक मिले तो हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, और डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर, आप कितने तेज चला रहे हो, ठीक है? तो बस यही है, ज़्यादा दूर नहीं है मुरादाबाद से, और जो आपका रास्ता है वो भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये आ गया है हमारा नैनीताल का रास्ता। अब हमारी यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो रही है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, कितनी अच्छी रोड है यहाँ पे, दोनों साइड ट्रीज हैं इतने अच्छे अच्छे प्यारे से, और रास्ता कितना साफ है, ट्रैफिक भी नहीं है, रोड भी अच्छी है, हवा भी चल चल रही है, ठंडी ठंडी एकदम एकदम। एक्चुअली हिल स्टेशन पे आगे आप ठंडी हवा का मजा ही लेते हो, फ्रेश एयर चाहिए होती है आपको। सो अब हम लोग आ चुके हैं नैनीताल में। अब हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, अब हम कार पार्क करेंगे। तो अब हम लोगों ने कार को पार्क कर लिया है और हम नैनीताल पहुंच चुके हैं। तो ये है नैनीताल। दोस्तों अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो आपको यहाँ के मोमोज ट्राई करने ही चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा स्टफिंग अच्छी होती है, बहुत ही पतले मोमोज होते हैं और एकदम पहाड़ी स्टाइल में बनाते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। हम जब से आए हैं तब से हम लोग अपने होटल में नहीं गए हैं, क्योंकि हमने लंच नहीं करा था, तो हमने सोचा पहले कुछ खा लिया जाए। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने होटल में। तो ये है हमारा होटल जहाँ पे हम रुके हैं, मॉल रोड पे है। इस होटल का नाम है अहूजा, होटल अहूजा नाम है इसका। काफ़ी अच्छे से मेंटेन करा गया है और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे स्टे ले सकते हैं।
ये आ गया हमारा रूम, तो देखते हैं अंदर चलते हैं। ये रहा हमारा रूम, ये मॉमी, ओ ये तो मैं ही हूँ। ये हमारा रूम, ये काफी अच्छा लगा मेरे को सिस्टम इनका। ये है दूसरा बेड और ये है आपकी बालकनी जहाँ से आप व्यू देखेंगे। खुल जा भाई, ये देखिए, ये अभी हम लोग घूम रहे हैं कहाँ पे, नैनीताल की मॉल रोड पे। मॉल रोड तो हर जगह होती है। तो अब हम लोग आए हैं मैगी खाने और मोमोज खाने। यहाँ पे चाउमीन बर्गर मिल रहा है, तो अब हम लोग आ गए अपनी डिनर टेबल पे। इट्स टाइम फॉर डिनर, यस, ये हम बैठे हैं टेबल पे, आ गया हमारा डिनर। आ गए अब हम लोग रूम में अपने, और ये बैठा है, कौन से देखिए इस चेहरे को, वही है जो मेरे को बहुत मारता है, बहुत परेशान करता है। बता भाई, क्या बताऊं भाई। और आज का हम नैनीताल आए, एंड मोड में हमारा प्रोग्राम बना और हम नैनीताल के लिए आ गए, नैनीताल के निकल गए मुरादाबाद से। तो हम यहाँ पे नैनीताल कालर डूंगी होते गए हैं, बहुत ही अच्छा रास्ता है, बहुत ही बड़े रास्ता है, नई बनी है सड़कें जो हैं हमारी, और बिल्कुल टाइम नहीं लगा मुरादाबाद से नैनीताल का, सिर्फ 3 घंटे का रास्ता है। हाँ, देहरादून से मसूरी सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है, बट मुरादाबाद से नैनीताल का 3 घंटे, और अच्छा है। नैनीताल लॉकडाउन के बाद आए हैं तो बहुत शांति है यहाँ पे, जो पहले सामान हट गया था 2 साल पहले तक नहीं था, वो अब लगने लगा है यहाँ पे। लाइक फुटपाथ का मार्केट होता है ना, जो हिल स्टेशन पे मोस्ट पॉपुलर होता है, वो यहाँ से हटवा दिया गया था, अब वो वापस आ गया है, बहुत अच्छी बात है ये। और आपको स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट पे जो मैगी थी वो बंद हो गई थी, वो मिलने लगी है आपको, और बहुत शांति है, भीड़ नहीं है बिल्कुल, बड़े आराम से आपको अगर आप आना चाहें अभी तो रूम्स बहुत आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और बहुत ही रीजनेबल रेट पे आपको रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। जो हमने रूम खरीदा है बहुत अच्छे से मिल गया है, बहुत अच्छा कमरा मिल गया हमें। बस आज का सफर हमारा यहीं तक था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आपके? तो ये देखिए नैनीताल का व्यू, नैनीताल लेक है ये, बहुत पॉपुलर है, यहाँ पर बोटिंग भी होती है, बट हम लोग बोटिंग नहीं करेंगे। तो बस अब हम लोग वापस जा रहे हैं, नैनीताल का सफ़र हमारा यहीं तक था। तो ओके, बाय बाय, बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।